नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राज MTD में आपका स्वागत है। अभी अभी मैं मेहरता रोड दिगंबर जैन मंदिर से ये कोबरा रेस्क्यू करके इसको रिलीज़ करने के लिए जा रहा था। बीच रास्ते में मुझे कान जी के यहाँ से एक रेस्क्यू कॉल आ गया है। आप देख सकते हैं ये इनका घर है और गायें बंधी हुई है। तो इनका कहना है कि ये दीवार के अंदर एक बिल है और यहाँ पे इन्होंने एक सांप को घुसते हुए देखा है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, इस सांप को सर्च कर रहे हैं और रेस्क्यू करके ले जाके इसी के साथ जंगल में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। पट्टिया पीछे पट्टी पकड़ा ना जन मैं देखे था देखो इन मत काट बैठा हुआ कल फिर मोटर इतना बार काट हां हां तो बहुत ज्यादा बोलने तो थोड़ी है तो अगर वो बेचा एडी बिंदम तो हां अब की इतने बार डंप दे ये वाटर लारी में नीचे कोद नीचे 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 हां आओ बाटो का दुकान दे काट दो तुम आज ही आज और माइंड तो जा नहीं नहीं कट देखो जगह मिले जब तो पके नहीं सको हां मान लेंगे मिले कौन मंडा सुनो एकदम ये बटन पा पेट नहीं मंगो पेट लो जा पेट ला जा आगे बैठ जा आप देख सकते हैं दोस्तों, सांप दीवार के अंदर बिल होने की वजह से अंदर चला गया था, जिसकी वजह से हमें पानी डालना पड़ रहा है। तो पानी डालने की वजह से सांप बाहर आ गया है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको रेस्क्यू कर रहे हैं, बाहर आ गया है। तो बंद कर दो मोटर, आकाश बंद कर दो बेटा। कई बार आके देखिए फट देनी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये एक कॉमन कोबरा है, करीब 4 फीट सांप की हाइट है। जिस सांप को रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको करीब करीब मैंने रेस्क्यू कर लिया है। इसको दोस्तों डिब्बे के अंदर एक सांप है और थैली के अंदर इसको पैक करते हैं और ले जाके जंगल में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों सांप जब डर जाता है तो इस तरीके से अपना फन फैला के खड़ा हो जाता है और अगले वाले को डराने की कोशिश करता है, चेतावनी देता है कि मैं खतरनाक हूँ और मुझसे दूर रहो। और वास्तविकता में ये जीव खतरनाक है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर पाया जाता है, जो अगर ये किसी इंसान को काट ले और समय पर इलाज ना मिले तो मौत निश्चित है। आज भी हमारे देश में लोग 60% झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में आके अपनी जान गवा देते हैं। इस तरीके के सांप की कभी किसी को बाइट हो जाए तो झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाए, क्योंकि आपकी जान सिर्फ इसके जहर से बना हुआ एंटीवेनम और डॉक्टर ही बचा सकता है। सांप को लेके बहुत सी गलत फहमियां हैं। सांप 100 साल जीता है, 150 साल जीता है, जबकि इसकी उम्र 40 से 45 साल होती है और ये अंडे देता है, बच्चों को जन्म नहीं देता है।
ये 9 से लेके 45 अंडे तक देने का अभी इसका रिकॉर्ड मिला है। और जब इसके बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तो आधे से ज्यादा ये खुद खा जाता है, और जैसे ही अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं ये अपनी माँ को छोड़ देते हैं और अपने रास्ते चला जाते हैं। शुरू में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं चूहे मेंढक का शिकार करके अपना जीवन चलाते रहते हैं। दोस्तों, जोगी आते हैं और आपको पागल बनाते हैं कि सांप बीन की धुन पे नाचता है, जबकि आप देख सकते हैं इस लड़के के हाथ में बीन नहीं है, इसके हाथ में एक डंडी है और ब्लैक कपड़ा लगाया हुआ है। जिधर जिधर ये इसको हिलाएगा उधर उधर ये डांस करेगा। सांप के कान नहीं होते हैं, सांप सुन नहीं सकता, ये सिर्फ वाइब्रेशन से किसी को फील करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कान जी के घर पे मैं कोबरा रेस्क्यू करने के लिए आया था उसको मैंने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया है, और अब दूर ले जाके इन दोनों सांपों को जंगल में रिलीज करेंगे। बने रहिए रिलीज तक हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम। नमस्कार दोस्तों, आज जो एक डेढ़ घंटे पहले मैंने ये कि ये मेड़ता रोड सदर बाजार दिगंबर जैन मंदिर से कोबरा रेस्क्यू किया था, और ये दूसरा मैंने कान जी बेड़ा के वहाँ से माता जी की कोलोन से रेस्क्यू किया था। इन दोनों सांपों को मैं जंगल में रिलीज करने के लिए आया हूँ, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। इनको इनके नेचर में रिलीज कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैंने दोनों सांपों को रिलीज कर दिया है, और एक और रेस्क्यू कॉल आया हुआ है कापड़ियों की ढाणी से, वहाँ हम रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी रेप्टाइल की जान बचाते हुए, किसी की हेल्प करते हुए। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सावधान रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।